राइट्स इस्लाम में भी हैं, राइट्स आइन में भी हैं, लेकिन देने वाला हो ना, अगर हमारे पास कुछ है तो हम उसको दें भी, हम उसकी रिस्पेक्ट भी करें। आपने बोला कि ऑल मैन आर ट्रैश और ऐसे नारे लगते हैं, देखिए नारे हमेशा प्रोवोकेटिव होते हैं वरना कोई सुनता नहीं है। ऐसे हमेशा ऐसे ही नारे, जो पहली बात हम नारों के पीछे कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, हर नारों के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, एक मीनिंग है और एक न्यूज़ है। जैसे एक है नारा है कि खाना खुद गर्म करो, तो हमने देखा कि खाना ना ठंडा खाना होने पर किसी को मार दिया था, एक बहन को मार दिया। तो हर एक न्यूज़ है, हर कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझना चाहिए। हमें जिसम का वर्ड हमें दिखा तो हमें सनी लियोन की फिल्में याद आ गई, क्योंकि हमने देखा यही है, तो हमें उसको देखना चाहिए कि क्या सीन है और उसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है। दूसरी बात कि ये कि हम यहाँ पर इसलिए हैं कि हम बस थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लीड सिर्फ वुमेन ही कर रही है, हम उसको सिर्फ बैक कर रहे हैं। लेकिन ये तो शुक्र करें कि ये लोग बदला नहीं मांग रहे, ये लोग सिर्फ इक्वालिटी मांग रहे हैं। अगर बदला मांगने पर आ गए तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। हमारी डिमांड्स कोई नहीं है, बेसिकली हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम भी उतने ही ह्यूमन हैं जितना कोई मर्द है, हम भी उतने ही इंसान हैं, हमें भी उतना ही दर्द होता है, हमारी भी उतनी ही इमोशंस हैं, हमें भी उतना ही काम करने से थकावट होती है जितने किसी मर्द को होती है। तो हमें ये नहीं चाहिए कि जैसा स्लोगन बता रहे हैं कि सर पे मत बिठाओ या मेरे सर पे मत बैठो, साथ बैठो, इक्वालिटी पे आओ। मोहब्बत दुनिया की सबसे अबतर तरीन चीज़ है जिससे नफरत की जाए। मोहब्बत दुनिया की सबसे पाकीज़ा तरीन शय है। मोहब्बत वो शय है जिससे मोहब्बत से मोहब्बत करने के लिए इंसान में तड़प होनी चाहिए। आज हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि मोहब्बत के जो मानी हैं वो क्या करार दे दिए गए हैं। एक लड़की को जबरी तौर पर, उसको पता भी नहीं होता उसकी शादी किससे हो रही है, किसी बुढ़े से लाकर एक जवान लड़की की शादी कर दी जाती है और उसको बाउंड कर दिया जाता है कि तुम पूरी ज़िंदगी इस शख्स के आँखों में आँखें नहीं डालोगी। क्या ये कंसेप्ट ऑफ मोहब्बत है? या मोहब्बत वो है कि चाहे आपकी जिन्स कोई भी हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी मसलक, किसी भी मज़हब, किसी भी सोच रखने वाले इंसान हो, आपका ये बुनियादी इंसानी हक है कि आप मोहब्बत करें और मोहब्बत को बांटें। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं पाकिस्तान में देखता हूँ कि अफराद जो है वो मोहब्बत के मानी बड़ी ही पसमानदा ज़हनियत के साथ मोहब्बत के मानी को लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी थोड़ा सा अपना दिमाग खोलेंगे। देखिए, परसेप्शन बिल्कुल गलत है। व्हेन आई वाज कमिंग ओवर हियर, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि तो औरतों के लिए तुम क्यों जा रहे हो। सो इसके रिस्पॉन्स में मैं यही कहना चाहूँगा दैट आई एम मार्चिंग फॉर द वुमेन ऑफ माई फैमिली, बिकॉज आई हैव सीन अपने ख़ानदान में भी और जगह पे भी किस तरह वुमेन को ट्रीट किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके माँ बाप को गालियाँ दी जाती है, उनको गालियाँ दी जाती हैं, एंड आई एम फेड अप ऑफ दिस थिंग। मैं नहीं सुन सकता कि कोई मेरी, मैं जिन खवातीन को जानता हूँ वो हरेस हों, उनको गालियाँ पड़ें, वो जब सुबह उठे तो उनकी आँख के ऊपर एक बड़ा सा नील हो। आई कॉन्ट टॉलरेट दिस एनीमोर। खलीलुर्रहमान वो पर्सन है जो किसी औरत की इज्जत कभी नहीं कर सकते। वो आपने उनकी एग्जाम्पल लाइव टी वी पर देखी होंगी, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं वो इसी चीज़ के लिए। तो आई डोंट थिंक ही इज़ द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट वुमेन्स राइट एंड दीज काइंड ऑफ इश्यूज़।